Hi, welcome to a video where we try weird 5-minute craft fashion hacks. Majority of us now hacks देखते देखने के लिए और कुछ use नहीं करते ज़्यादा. Personally, when I've tried weird items and gadgets and hacks before, कुछ ऐसी चीज़ें सीखने मिल जाती है that actually stick with me throughout my routine. For example, video where we tried weird makeup hacks, ये tape लगाने वाला एक hack था and ever since that day, I've always applied tape to do my eyeshadow. Hopefully, ऐसा कुछ सीखने मिल जाए जो अपनी life आसान बना देगा. First hack is कि एक loose, not very अच्छा fitting वाले sweater को crop कैसे बना सकते हैं without cutting it so that you can still use it both ways. इस हैक के लिए मैंने पापा का स्वेटर चुराया है. ऑनेस्टली मैं तो इसको एज इट इज ही पहन लूँ बिकॉज आई लव बैकी क्लोथिंग, बट दिस हैक इज फॉर दोस टाइम्स व्हेन इवन आई वांट समथिंग क्रॉप. सो शी टाइड द स्ट्रिंग जहाँ पे उनको स्वेटर चाहिए था कि खत्म हो. सो आई वांट द स्वेटर टू एंड हियर. हम भी यहाँ पे टाई करेंगे. नॉर्मल गांठ और बो बांधी है. इन द वीडियो शी पुल्ड अप द स्वेटर लाइक दिस. शी केप पुलिंग इट अंटिल नथिंग ओवर हियर इज विजिबल. हमें भी वही करना है. स्वेटर क्रॉप तो हो गया बट वन थिंग आई कैन नोटिस राइट अवे इज मेरा पेट और भी बड़ा लग रहा है बिकॉज द स्वेटर इज प्रीटी चंकी सो इट्स गिवन मी अ डबल लेयर अराउंड हियर. सेकंड थिंग आई वांट टू टेस्ट इज कि इफ आई सिट डाउन विल इट बॉदर माय वेस्ट. अगर एक प्रॉपर इलास्टिक वाला नाड़ा होता तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वो तो स्ट्रेच हो जाएगा व्हेन यू सिट. बट आई हैव यूज्ड अ नॉर्मल स्ट्रिंग तो वो मैं चेक करके देखती हूँ कि बैठ के सही से होगा कि नहीं. इट वॉज नॉट अनकम्फर्टेबल सो दिस हैक वर्क्स. आई थिंक इट विल वर्क मच बेटर विद अ पतला मटेरियल का स्वेटर. आई डिड नॉट थिंक practical hoga but this is practical. Let's try the next hack which is converting a pair of plazos into shorts. Honestly every time I saw this I thought ki this is brainless. I'm sorry it's quite rude for me to say that but I thought ki ye nahi work karega. But after this first hack I'm not going to judge any hack by its cover. Actually try it and see. Let me get a plazo and let's try this one. मैं 5-minute crafts वाले कपड़ों में आ गई हूँ विच इज लाइक अ ट्यूब टॉप एंड प्रॉपर शॉर्ट्स जो दिखे ना अपने हैक्स के अंदर. तो दिस इज द प्लाजो वी चूजिंग. इट्स प्रीटी लूज सो आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज द राइट आइटम टू ट्राई दिस हैक. वरना एक और पैंट है मेरे दिमाग में. शी गोज इनसाइड पिक्स अप द हेम ऊपर तक लेकर आती है. शी टेक्स अ रबर बैंड टाइज इट हियर एंड आई थिंक टक्स इट इन. तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं ये साइड से बांध रही हूँ तो ये साइड से लूज हो जाएगा बट ऐसा हो तो नहीं रहा. लेट मी ट्राई द सेम ऑन द अदर वन और फिर थोड़ा I'll move around and see ये loose पड़ता है कि नहीं. While going to the beach I'd be like oh कहाँ से मैं ऐसी लंबी वाली shorts निकालूँ जो मैं beach पे भी पहन के जा सकती हूँ but मेरे पैर गीले ना. I feel like they look okay. Let me ask mom कि अगर उन्होंने hack होते हुए ना देखा होता तो would she be able to guess कि इसमें कुछ ऐसे जुगाड़ बिठाया है. मम्मा क्या कहते हो? ऐसा लग रहा है कि ये जुगाड़ है कि प्रॉपर शॉर्ट जैसा लग रहा है. That's a good feedback. ये नहीं निकल रहा है एंड वो जो साइड में रबर बैंड बांधा था वो भी नहीं दिख रहा है. इफ यू वॉन्ट द शॉर्ट्स टू बी शॉर्टर ना ये जो रबर बैंड से हमने बांधा है उसको आप एकदम ऊपर लेके आ जाओ एंड द शॉर्ट्स विल बी शॉर्ट एंड देन यू कैन सेफ्टी पिन इट राइट हियर. टेक्निकली यू कैन कस्टमाइज वन पेयर ऑफ पैंट्स इनटू मेनी. दिस वन आई डोंट थिंक आई विल यूज इट अ लॉट. डेफिनेटली बीच पे जाने के टाइम पे तो यूज कर सकते हैं. तो दिस वन गेट्स अ थम्स अप फॉर वर्किंग प्रैक्टिकलिटी 2/5 आई वुड से. द नेक्स्ट हैक वी ट्राइंग ऑन मम्मास रिक्वेस्ट. सो दिस इज द वेरी वेरी फेमस हैक ऑफ टर्निंग प्लाजो पैंट्स into a dress. अब हमें क्या करना है कि इसके कोई एक ही पैर में अपनी पूरी बॉडी डालनी है जो मुझे लगता है कि कैसे घुसेगा मेरा शरीर. नहीं ना ये स्ट्रेचेबल कैसे चढ़ेगा? फाटे जो और जैसे. तो ये ग्रे पैंट मुझे लगता है कि ज्यादा स्ट्रेचेबल है उससे शरीर पे तो नहीं चढ़ रही है. लास्ट ट्राई दैट वी कैन डू इज मॉम सेड के ऊपर से पहनने की ट्राई कर. नहीं घुसेगा मेरे पे. हट जाएगा ये. चलो ये क्रेडिट तो मम्मा को 100% देना पड़ेगा कि दिस डज नॉट लुक लाइक प्लाजो पैंट एट ऑल. मतलब मैं खुद डेफिनेटली नहीं बोलती कि इट्स अ हैक दैट हैज रिजल्टेड इनटू दिस. सो दिस गेट्स अ थम्स अप. आई एम शॉक्ड. सी दिस इज व्हाई आई डू दीज वीडियोस. अगर कभी फंस जाओ कहीं पे और सिर्फ प्लाजो पैंट हो देन रिमेम्बर यू कैन मेक इट अ ड्रेस. विल आई एवर डू इट? अभी एक आधी बार मैं शायद कर भी लूँ बिकॉज इट लुक्स गुड बट नॉट रियली. सो प्रैक्टिकलिटी आई गिव दिस 2/5. मम्मा को एक काम से गई है बाहर एंड आई का
can't remove this without her help. So I thought कि जब तक वो आ जाती है एक और हैक कर लेते हैं. The only thing I figured जो इसके ऊपर कर सकते हैं. So saw this hack where a girl feels she's not looking good enough because she's wearing specs and sweater, which I don't think is true. She definitely styled the sweater in a completely different way. तो वो मुझे पसंद आया. So we're going to try that out if it works. She first wears the sweater, took out a sleeve. पहना ही क्यों पहले पूरा? Okay. Wait, I am so confused. उन्होंने पूरा ही नीचे ले लिया. And then she took the sleeve and put her hand inside like this. And then made it उल्टा. इसमें भी हाथ डाला. और फिर जो नीचे का स्वेटर है ना, that is supposed to come up. So this becomes an off-shoulder sweater. It sort of works, but I don't have much movement. Like if I do this, तो I'm going to flash someone. अभी तो मैंने dress पहनी है तो क्या? I'm fully covered. Proper off-shoulder sweaters that I've seen in the market, they're quite long. They're not this crop. Practicality, I would give this 0 out of 5 personally, but does it work? It works. This was like an okay hack. I think it just looks cute. Give me 2 minutes, become a normal human and come back. This hack is all my girls who dress up alone. Hota kya hai ki kafi baar jab zip aise uncomfortable jagah pe piche hota hai to band karne mein itna yoga karna padta hai, sometimes to band hota bhi nahi hai. So for that we have this hack ki zip ko nada bandh lo, tie the nada to the zip. So dress to pehen li hai, lenge ye nada ko aise pakdenge and nikal gaya ye. My zip does not have a hole. Maybe I'll take a thinner string. एक छोटू सा होल है कनेक्टर में, उसमें डालने का ट्राई करती हूँ. मैं वापस ड्रेस नहीं निकालने वाली, तो मैं मम्मा को ही बोल रही हूँ कि आप धागा बांधो. Now I just have to figure out कि how will I take it up. Took it up. तो नीचे से ड्रेस पकड़ना है so that zip part comes together. Slowly, the actual hack, they had not told us to tie the string. को एक बार बस लूप बना दो चेन में से and then pull it so easily. जब आप ऐसे खींचोगे तो वो निकल जाएगा zip में से. मेरी नॉट खुल गई. आपको एंड्स ऐसे खुले ही रखने हैं एंड देन वंस योर जिप इज शट, सिंपली पुल द धागा एंड यू डन. तो इफ देयर इज एनी ड्रेस जिसकी जिप काफी लंबी है एंड आप बिल्कुल नहीं पहुंच सकते या ऐसे कोई ड्रेस, तो आप ये हैक ट्राई करना, बिकॉज दिस गेट नॉट ओनली थम्स अप फॉर वर्किंग बट ऑल्सो अ 5 out of 5 फॉर प्रैक्टिकलिटी, बिकॉज दैट्स द ओनली पर्पज दिस हैक इज सर्विंग. प्रोबेबली द फर्स्ट 5 minute क्राफ्ट हैक आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ जो यूजफुल है. सो आई हैव बीन शेविंग माई बॉडी हेयर सिंस कॉलेज टाइम I would say, क्योंकि मेरी रेगुलर वाली पार्लर दीदी शिफ्ट हो गई कोई और पार्लर में. आई गॉट सो लेजी दैट आई नेवर वेंट टू द न्यू पार्लर एंड आई डिडंट ट्राई अ न्यू लेडी. तब मैंने एक बार शेव किया एंड आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, तो तब से मैं शेव ही करते हुए आ रही हूँ. अब भी चेंज करते वक्त जस्ट ऑब्जर्व की ये वाला बाकी है एंड आई वॉन्टेड टू शो यू अ गुड एलोवेरा हैक एनी विच वेज इन दिस वीडियो. ऑल आई डू इज आई टेक सम एलोवेरा जेनरस क्वान्टिटी एंड आई पुट इट ऑन द पैच वेर आई वॉन्ट टू शेव. देन आई टेक अ सेमी वेट रेजर. If you're under 18, make sure you do this under adult supervision. Bas just wipe off with a clean cloth and you are done. Isme bilkul bhi irritation nahi hoti, mujhe rashes nahi hote and it's not harsh for the skin because the gel is very soothing to the skin. So the source of Power Skin Science aloe vera gel is that it's hygienically extracted from ripe and robust aloe vera leaves. It has natural healing and rejuvenating goodness. It helps neutralize infection causing germs and moisturizes the skin to remove dryness. It also helps to reduce acne and soothes any kind of inflammation. So the main ingredients are aloe vera juice and xanthan gum. Aloe vera juice is 99% in quantity, which gives intense hydration and minimizes dryness while also boosting collagen production. Or xanthan gum is a plant-based natural thickener. Skin ko condition karta hai and has polysaccharides that help boost the moisture in the skin. So you can use the exact same hack for epilating if you prefer that. Ya to aap isko hair ke liye bhi use kar sakte ho because it's excellent for hair too. For this hack you need water, lemon and aloe vera gel. Pani mein bas wo lemon squeeze kar do और एक चम्मच एलोवेरा जेल डाल दो एंड योर DIY हेयर टोनर इज रेडी. दिस विल हेल्प इची एंड डैंड्रफ फिल्ड स्कैल्प, लाइक वो सारा चले जाएगा. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द टीम एट वाओ टू एक्सप्लेन मी ऑल ऑफ दिस इन डिटेल सो दैट आई कैन शेयर इट विद यू. बट दिस प्रोडक्ट हैज बीन वर्किंग वेरी वेल फॉर मी. तो इफ यू वांट टू चेक इट आउट द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो. इफ यू ऑर्डर फ्रॉम वाओ देन यू डू गेट अ QR कोड टू चेक द ऑथेंटिसिटी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैक. वी बॉट ड्रेस हो गया एंड आई थिंक वी आर ऑल शेव्ड आल्सो. नाउ आई वांट ट्राई समथिंग विद अ डेनिम. एक हैक मैंने देखा व्हिच आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर I think there's a way to improve it, but वो improve तब कर पाएंगे अगर वो काम करता है. तो let's put the denim on. Normally I have to size up for denims and they always fit me loose from the waist. Usually I get them altered from the tailor, पर अब तो वो कहाँ? I'm gonna put this on from the thighs. It's a dream. I can squat in this and do everything in this comfortably. Even though I'm wearing shorts, it's still this loose.
5 minute crafts have again brought out their trusty nada. उनका hack सिर्फ इतना सा था कि पीछे वो नाड़ा डाल के उसको टाइट कर देते हैं एंड इट्स सपोज्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आई एम स्केप्टिकल अबाउट इट. एट दिस पॉइंट कुछ भी पॉसिबल हो सकता है. सो लेट्स गिव इट अ गो. आई थिंक वैसे तो इशू रिजोल्व हो गया है, अब उतर तो नहीं रही है पहले के जैसे. आई डोंट थिंक दिस लुक्स गुड, बिकॉज अगर ऐसा कुछ आपने क्रॉप टॉप पहना होगा इसके साथ तो लटकता हुआ नाड़ा अच्छा नहीं लगेगा. आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम पे कहीं तो ऐसे देखा था कि पीपल टाई स्कार्फ्स ओवर हियर दैट लुक्स लाइक इट्स अ डिजाइनर डेनिम एंड एट द सेम टाइम इट टाइटन्स योर डेनिम टू. सो आई थिंक दैट इज अ मच बेटर वर्जन ऑफ दिस हैक एंड दैट्स हाउ यू कैन एलिवेट इट. बट डज दिस वर्क? यस. मुझे हर बार यस बोलते वक्त इतना चुभता है क्योंकि मैं जज करती हूँ 5 मिनट क्राफ्ट्स को कि ये तो बेकार होगा, यूजलेस, लाइक इट वोंट वर्क. बट ट्राई करने पे सब वर्क कर रहा है. शर्म आ रही है हाँ बोलते हुए कि इट वर्क्स. प्रैक्टिकलिटी, आई विल गिव दिस 4 out of 5. नॉट विद द नाडा, विद अ गुड लुकिंग स्कार्फ, सम लाइक अ गुड बॉर्डर, इवन अ गुड साड़ी बॉर्डर माइट लुक क्वाइट एजी एंड डिफरेंट. सो 4 out of 5 फॉर द प्रैक्टिकलिटी. सिंस वी हैव द डेनिम ऑन, लेट्स ट्राई टू मेक दिस वायरल स्कार्फ टॉप. को स्कार्फ को ऐसे रैप करके शोल्डर के यहाँ पे लेके आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ ब्रेसलेट और अ बैंगल. मुझे ऐसा लग रहा है कि द बिगर द स्कार्फ द बेटर कवरेज आई शुड गेट. चेक स्कार्फ माइट मेक अ गुड टॉप. तो सबसे पहले वी हैव टू रोल द स्कार्फ एंड मेक इट यूबी रेक्टेंगल. आई थिंक दिस मच इज गुड इनफ. यहाँ पे आगे लेना है एंड यहाँ से वो बैंगल डालनी है. सो ये पूरा आगे का गुच्छा ना यू हैव टू पुट इट थ्रू द बैंगल. अब क्या, मेरा तो कपड़ा ही खत्म हो गया. शी पुट वन हेयर एंड वन हेयर बट माई स्कार्फ इज नॉट लॉन्ग इनफ. आई थिंक वी माइट हैव आवर फर्स्ट फेल हेयर एटलीस्ट फॉर माई बॉडी टाइप. सो लेटिंग ऑफ द ब्लू वन ऑल्सो क्योंकि वो भी स्क्वायर है. लास्ट होप इज विद दिस वन. टेक दिस बैंगल. सी शी पुट्स वन ऑन हर शोल्डर एंड वेयर डज द अदर वन गो. वो सिर्फ पीछे डाल देती है बट पीछे कहाँ जाता है वो मुझे कैसे पता चलेगा. हाँ ऐसा डाल के देखते. चलो वी विल ट्राई आवर ओन डिफरेंट वे एंड आई विल टाई इट एट द बैक ऑफ माई नेक. मैं तो ये ट्यूब नहीं निकालने वाली. आई डोंट ट्रस्ट दिस स्कार्फ अभी तक. तो आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वाइडर सो दैट इट गिव्स मोर कवरेज. दिस इज द बेस्ट आई हैव बीन एबल टू डू विद दिस हैक. डज इट लुक गुड? आई थिंक इट लुक्स गुड. हाँ मैं इसको बाहर पहनने में एट प्रेजेंट कंफर्टेबल हूँ नहीं. मे बी अ फ्यू इयर्स लेटर आई माइट हैव दैट कंफर्ट जोन. प्रैक्टिकलिटी आई वुड गिव इट 3 out of 5. डज दिस वर्क देयर हैक? आई विल गिव इट अ थम्स डाउन. बट देयर इज डेफिनेटली सम गुड स्कार्फ टॉप्स यू कैन ट्राई. व्हाइल वी स्टिल इन अ डेनिम आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैक व्हिच इज a shirt. This hack instantly reminds me of Komal Pandey and how she rocks those white shirts with a very very deep neck. I've chosen this white shirt. Ab ye hack bata raha hai ki agar aap sirf ek normal knot aise bandhoge, if you're not wearing the tube like I'm wearing, like a proper just deep neck, you might feel afraid ki oh ye to kabhi bhi khul jayega. So they are showing a unique way to tie a knot which is supposed to eliminate this problem completely. Wo actually knot yahan par bandh rahe. Let's try. And then they actually button it up. Yahan pe ek hole hai, yahan pe ek button hai. Hum bhi isko button kar denge. Ye knot na bahut upar aa gaya hai. It could also be the problem of my shirt because the shirt I'm wearing is not a regular shirt. It has only 3 buttons. But as per the hat, ye loop mein se aapko ये लेकर पास करना है एंड देन यू टेक दिस एंड एंड पास इट फ्रॉम द लूप अगेन. This actually results in a very good looking bow. I feel very secure in this because literally ek button laga hua hai aur button aise nahi khulega unless the shirt is too tight for me and it pops out. Does it work? Yes. Practicality, I will give this a 4 out of 5 because I do think I will try this at some point in my life when I find a shirt jiska button thoda niche hai. So I like this hack actually. And the last hack is a classic 5 minute craft hack which I've actually been wanting to try. So it is to make a skirt into a tube dress. And very recently I got this very pretty pleated skirt. So मुझे लगता है कि as a dress बहुत अच्छा लगेगा. Wish me luck. Final hack है. It's quite secure also from here. I don't think he, whatever I do, it will come off. It is not flattering at all right now. It's not giving any shape. We'll add a belt on our waist and then see if this is actually something that I would personally wear outside or not. This is the corset belt. I remember this is from my college times.
So this belt is not exactly tight enough to give much shape. Here's another one which should work. This is how it's supposed to work. And now it actually looks like a tube dress. मैंने मेरे लाइफ में कभी भी एक ट्यूब ड्रेस एज इट इज परचेज नहीं किया. Does this look like a legitimate dress? For sure. I would say yes. मैं नहीं गेस कर पाती कि this is not a real dress. This is actually the belt of the skirt. This I think could give it away. This is not meant to be here, but this is easily removable. ना बड़ा घेरा वाला dress you've made from a skirt. This hack also gets a thumbs up and gets a 5 out of 5 for practicality. मैं इसको बाहर पहनूंगी for sure and ये मुझे uncomfortable भी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है. What a note to end this video on. अपने को ये series continue करना ही चाहिए. I will need your help to look for more hacks to try in the part 2. Let me know which hack you've been thinking के ये तो नहीं चलता होगा. But you're too lazy to try it. I will try it on your behalf. तो मुझे DM करना या comments में बताना कि this video के ये timestamp पे ये hack है उसको try करो. But if you enjoyed watching this video, give it a thumbs up and subscribe to the channel. A big thank you to Wow Skin Science for partnering up with us for this video and supporting our channel. I will see you in a brand new video very, very soon. Until then, goodbye.